नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। शुक्रवार को बीजेपी विधायक मंत्री इसराइल मंसूरी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर बेल में पोस्टर दिखाते हुए पहुंच गए, जिसके बाद स्पीकर ने मार्शल को पोस्टर लेने का आदेश दिया। साथ ही बीजेपी विधायकों को भी उन्होंने अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा, लेकिन बीजेपी विधायक हंगामा करते हुए और सदन से वॉकआउट हो गए। इसके कुछ देर बाद ही वह सदन में वापस चले आए, तब स्पीकर ने कहा कि वह बिन बुलाए वापस क्यों आए हैं, यह सदन के नियमों के खिलाफ है। विदेश से लौटे राहुल गांधी जब संसद में पहुंचे तो उनको वहां बोलने का मौका नहीं मिल पाया, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी और भाजपा पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन इस दौरान वो ऐसा बोल गए जिस पर उनके साथ बैठे जयराम रमेश को टोकना पड़ा। दरअसल राहुल गांधी जब अपनी बात मीडिया कर्मी के सामने रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से मैं एक सांसद हूं और मुझे उम्मीद है कि मुझे संसद में बोलने दिया जाएगा। बिहार की राजनीति में सीमांचल क्षेत्र सभी राजनीतिक दलों के लिए हॉट केक बना हुआ है। जाहिर सी बात है, अल्पसंख्यक समुदाय के इस इलाके को अपने पाले में करने के लिए भाजपा और महागठबंधन दोनों ने अपनी अपनी पारी खेल ली है। अब सीमांचल के चारों जिलों में AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी आज से 2 दिन तक का दौरा करने वाले हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 9000 से अधिक कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार CRPF की आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 27 मार्च 2023 तक होंगे। पटना में 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर है। आज प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थी बड़ी संख्या में विधानसभा तक मार्च करेंगे। शिक्षक अभ्यर्थी गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहा होते हुए विधानसभा तक जाएंगे। इसको लेकर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी नारेबाजी करते हुए डाक बंगला चौराहा पर जुट गए हैं। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने सुना है कि महिलाओं का अभी भी यौन उत्पीड़न हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है, जिसमें पुलिस ने उन पीड़िताओं की जानकारी देने को कहा जिन्होंने राहुल गांधी से जाकर यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। बिहार विधानसभा के बजट सत्र शुक्रवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ। हत्या में नाम आने पर भाजपा ने मंत्री इसराइल अंसारी की बर्खास्तगी की मांग की है। साथ ही भाजपा विधायकों ने सदन में ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। बिल में विपक्षी विधायक तालियां बजाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। सदन में हनुमान चालीसा के पाठ के सवाल पर पूर्व CM जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम तो रामायण को काल्पनिक मानते हैं। रामायण की बात करें तो राम से ज्यादा कर्मठ रावण थे। कल्पना के आधार पर राम और रावण की बात करने से बेहतर है कि भाजपा गरीब की बात करे। हॉविट्जर ब्रह्मोस मिसाइलें, US मेरीटाइम हेलीकॉप्टर आदि खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 70.51 हजार करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत यह बहुत बड़ा कदम है। भारतीय रक्षा बलों के लिए इससे विभिन्न शस्त्र प्रणालियां खरीदी जाएंगी। बिहार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा के दूसरे चरण में बांका पहुंचे। उन्होंने इस दौरान बिहार की नीतीश और तेजस्वी वाली सरकार पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि जिन हाथों में आज बिहार है उन्होंने बिहार को बर्बाद किया है। शराबबंदी पर भी वे जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि बिहार को जंगलात से बचाना है। इन्फ्लुएंजा के H3N2 वायरस के केस देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली NCR से लेकर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत तक इस वायरस के मामले में सामने आ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस वायरस के अब तक 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौसम में बदलाव और प्रदूषण की वजह से H3N2 वायरस पांव पसार रहा है। मौसम में हो रही नमी की वजह से वायरस तेजी से फैल रहा है। IT और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को कहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शिक्षाविदों ने 6G प्रौद्योगिकी के लिए 100 पेटेंट हासिल कर लिए। PhD चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित भारत स्टार्टअप समिट में बोलते हुए मंत्री ने कहा है कि भारत दुनिया में सबसे तेज नेटवर्क के साथ 5G तकनीक में छलांग लगा रहा है। SBI कार्ड और पेमेंट सर्विस ने SBI कार्ड की फीस और चार्ज में संशोधन किया। नई SBI कार्ड फीस आज 17 मार्च 2023 से लागू होंगी। 17 मार्च 2023 से SBI कार्ड और भुगतान सेवा शुल्क 99 रुपए और लागू करों से बढ़ाकर 199 और लागू कर हो जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा है कि दिल्ली में तीसरा रिंग रोड दिसंबर तक बन जाएगा। उन्होंने बताया कि इस रिंग रोड पर 27 फ्लाईओवर, 26 छोटे पुल और 17 पैदल सबवे बनेंगे। यह रिंग रोड 6 लेन का होगा। 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बन रही सड़क 75 किलोमीटर तक लंबी है। यह सड़क NH1 को द्वारका और बहादुरगढ़ से जोड़ेगी और पश्चिमी सीमा के साथ एक रिंग रोड बनाएगी। यदि आपके परिवार में कोई दिव्यांग है तो ऐसे लोगों के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाली योजनाओं पर बड़ा अपडेट जारी किया गया है। सरकार की तरफ से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुल 17 सरकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। इन योजनाओं का फायदा लेने के लिए 1 अप्रैल 2023 से जरूरी रूप से केंद्र द्वारा जारी दिव्यांग जनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र संख्या का उल्लेख करना होगा। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिनके पास UDID कार्ड नहीं है उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ UDID नामांकन संख्या प्रदान करनी होगी।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के लिए बुधवार को उच्चतम न्यायालय की लैंगिक संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति द्वारा आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने विधिक शब्दावली लाने के लिए चल रही कवायद के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अनुचित व्यवहार और अनुचित भाषा के इस्तेमाल पर कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाना जरूरी है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि उदाहरण के लिए मैंने ऐसे फैसले देखे हैं जिनमें किसी महिला को किसी के साथ संबंध होने पर उपपत्नी कहा गया है। पतंजलि फूड्स अप्रैल में फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने की योजना बना रही है। इसके बाद कंपनी में प्रवर्तकों का हिस्सा कम हो जाएगा। पतंजलि समूह के मालिक बाबा रामदेव ने बृहस्पतिवार को कहा है कि कंपनी सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाकर 25% के लिए एफपीओ लाएगी। उधर बीएसई व एनएसई ने बुधवार को कंपनी ने न्यूनतम प्रवर्तक धारिता पूरा नहीं करने पर शेयरों को फ्रीज कर दिया था। कंपनी ने कहा है कि फैसले का कोई असर नहीं होगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में जजों के 334 पद रिक्त हैं और कॉलेजियम द्वारा की गई 118 सिफारिशें प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है। वहीं 216 रिक्तियों के संबंध में अभी कोई सिफारिशें नहीं मिली है। विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा है कि 10 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में कोई रिक्ति नहीं है। जहां तक हाई कोर्टों का संबंध है, 1114 जजों के स्वीकृत पदों में से 780 पर जज कार्यरत है और जजों के 334 पद रिक्त हैं। पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने 15 मार्च को पुंछ के नवग्रह मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इसे मुद्दे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने कृत्य को धर्मनिरपेक्ष बताते हुए कहा है कि भारत का लोकाचार और गंगा जमुनी संस्कृति वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने पर खुशी जताते हुए कहा है कि इस प्रकार का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलना देश के लिए बेहद गर्व की बात है। बता दें कि गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 की घोषणा बुधवार को की गई थी, जिसमें 2 साल कोरोना और फिर रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से संभालने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर कोई झगड़ा होता है तो उसकी बात घर में करनी चाहिए, बाहर जाकर नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि कोई भी भारतीय इसे कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने हिंदुत्व और नए भारत पर विस्तार से बात की है। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के मन में चल रहे डर पर भी अपने विचार रखे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन दौरे पर भी तंज कसा है। स्पाइसजेट एयरलाइंस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। एयरलाइंस ने अपने 2 पायलट्स को ऑफ रोस्टर यानी उड़ान ड्यूटी से हटा दिया है। दोनों पायलट्स की गलती यह है कि उन्होंने होली के दिन फ्लाइट में एक छोटी सी कॉफी पार्टी का आयोजन कर लिया। पायलट्स ने फ्लाइट डेक के सेंटर कंसोल के ऊपर गुजिया और कॉफी कप रख दिए थे। एयरलाइन के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पायलट्स की इस हरकत से फ्लाइट की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। कांग्रेस सांसद सुरेश उर्फ बालू धनोरकर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि ऐसे पूर्व सांसदों की पेंशन बंद की जानी चाहिए जो आर्थिक रूप से मजबूत है। उन्होंने इस चिट्ठी में बताया कि करीब 5,000 पूर्व सांसदों की पेंशन पर सालाना 70 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अनिरुद्ध सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर सोशल मीडिया पर एक और विवादित पोस्ट शेयर किया। अनिरुद्ध ने कांग्रेस के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है कि कहां है शेर, शेर शेर बोलकर पप्पू दिखा रहे हो, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा झूठो। दरअसल कांग्रेस के जिस ट्वीट को अनिरुद्ध ने रिट्वीट करके ये बात लिखी है, उसमें राहुल गांधी को संसद के अंदर जाते हुए दिखाया गया और कैप्शन में लिखा गया है शेर संसद में है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि हमने रूस यूक्रेन युद्ध से कई बातें सीखी हैं। सेना को और सैनिकों को आधुनिक बनाया जा रहा है। हम ऐसे युवाओं को सेना में शामिल करना चाहते हैं जो तकनीकी रूप से दक्ष हो, चीनी भाषा जानते हो, साइबर एक्सपर्ट हो, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी रखते हो। अमेरिका जैसे अन्य देशों से SSN को पट्टे पर लेने के भारत के प्रयासों को पिछले एक दशक में सैन्य से सैन्य स्तर पर खारिज कर दिया गया है। यह ज्ञात नहीं है कि इस तरह के अधिग्रहण के लिए राजनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं। यानी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद में से एक के चरम पर नौसेना की अकेली परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बी INS चक्र विशाखापत्तनम बंदरगाह से बाहर निकल गई है। INS चक्र ने बंगाल की खाड़ी में गोता लगाया और एक महीने से अधिक समय तक गायब रही। उसकी तैनाती के बारे में सरकार में बहुत कम लोग जानते हैं। सरकार में एक सवाल के जवाब में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया कि भारत सभी पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण व परस्पर लाभकारी संबंध विकसित करने के लिए समर्पित है। हम अपने पड़ोसियों के सक्रिय आर्थिक सहयोगी हैं और वहां चल रही बड़ी विकास परियोजनाओं में शामिल हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी के कथित तौर पर ऑक्सफोर्ड डिबेट में बोलने का निमंत्रण आया था। विषय था क्या मोदी का भारत सही राह पर है और कथित तौर पर ही वरुण गांधी ने ये निमंत्रण ठुकरा दिया। वरुण का कहना है कि वो एक चुने हुए प्रतिनिधि और उनकी प्राथमिकता है कि राष्ट्र से संबंधित बहस संसद के अंदर ही हो।
भारत में आधार कार्ड काफी अहम दस्तावेज साबित होता है। आधार कार्ड की वजह से कई कामों को करना आसान हो गया है। कई सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए भी इसका होना अनिवार्य है। सरकार की ओर से नया आदेश जारी किया गया है। UIDAI ने 14 जून तक मुफ्त में आधार कार्ड अपडेट करने की सुविधा दी है। आधिकारिक बयान के जरिए इसकी जानकारी दी गई है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने इसे लेकर राज्यसभा चेयरमैन को पत्र भी लिखा है। वेणुगोपाल ने पत्र में पीएम मोदी के उस बयान का भी हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेहरू सरनेम रखने में कैसी शर्मिंदगी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक CISF एक्ट 1968 के नियमों में संशोधन किया गया। संशोधन के बाद नौकरी में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। अग्निवीरों के पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल तक की छूट मिलेगी। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, अनवर करीम खान, विपिन लाल वर्मा, अभिषेक राज, HK मल्होत्रा, रविशंकर, MD साकिर हुसैन, MD सैफुल्ला, सर्वनेश्वर कुमार, अखिलेश यादव, MD नौशाद राजा, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, अर्जुन राम, लव बैठा और चंदन कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, CISF में भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलने से आप कितने संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।